इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम हो। आज का मौजू महंगाई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, सब्जी, हर चीज़ महंगाई के तमाम मियार को पार करते हुए आगे बढ़ रही। दरअसल इस महंगाई की मार के खिलाफ आवाज़ भी किसी की उठ नहीं रही। असल में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आवाम में वो गम गुस्सा भी नज़र नहीं आ रहा जो कभी दिखता था। जितना इससे पहले लोगों में दिखता था वो अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। कभी अपने स्मृति ईरानी को भी गैस के दाम बढ़ने पर कांग्रेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए देखा होगा, कभी पेट्रोल के दाम बढ़ने पर लाला रामदेव को आंख फड़फड़ाते हुए देखा होगा। खासकर प्रधानमंत्री ने, मुल्क हिंद के वजीर आजम मोदी साहब ने अलग अलग अंदाज में उस वक्त के सत्ताधारी पार्टियों को महंगाई पर घेरते हुए देखा होगा। पर अब तारीख की ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद भी मोदी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठ नहीं रही। आखिर क्या वजह है कि पूरा देश खामोशी इख्तियार किए हुए? पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है, ये कोई मामूली बात नहीं। अगर खाने की चीजों का जायजा लिया जाए तो महंगाई उतनी ऊंचाई पर कभी नहीं गई जो अब तारीख की ऊंचाई हासिल कर चुकी है। महंगाई का फीसद बढ़कर 11% का आंकड़ा छू लिया है। खासकर अगर देखा जाए कि वालिदैन अपने बच्चों को प्रोटीन की चीजें देना पसंद करते हैं, खासकर अगर अंडे, गोश्त, मच्छी, सब्जियां, दाल, सब कुछ महंगा हो चुका है। कोरोना दौर के बाद अब कहीं स्कूलों को शुरू किया हुआ है तो निजी स्कूलों में फीस का तकाजा लगाया जा रहा है। अक्सर इत्तेहाद न्यूज़ को अक्सर फोन भी आते रहते हैं कि बच्चों की फीस अदा नहीं की जा सकती। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कारोबार, नौकरियां, फैक्ट्रियां बंद थी जो अब कहीं धीरे धीरे शुरू हुई है। लिहाजा स्कूलों से पूछताछ करने से स्कूलों के अखराजात और असातिज़ा के स्टाफ की तनख्वाह की बात कही जाती है, जो भी हो। पर महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है। गैस के दाम दुगने हुए, सब्जियां अब गरीब की थाली से गायब हो चुके हैं। हुकूमतें नफरत की सियासत में मसरूफ हैं। कुछ लोगों को इसमें ही मजा आ रहा है। वजीर आजम ने भारत के अवाम को ख्वाब दिखाया था, साल 2024-25 तक भारत की मईशत 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF ने बताई भारत की GDP साल -10.3% जा सकती है। IMF ने इस भारी गिरावट की वजह भारत गरीब मुल्कों में शरीक होने की बात कही। इससे पहले IMF ने भारत की GDP -4.5% तक बात कही थी, लेकिन उनकी ताजा रिपोर्ट के आंकड़े को तरमीम करके इसे -10.3% कर दिया है। दुनिया भर की उभरती हुई और तरक्की पजीर मईशत की फहरिस्त में भारत की हालत सबसे खराब बताई जा रही है। इससे पहले भारत सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 की पहली तिमाही में GDP -23.9% तक पहुंच गई थी। कांग्रेस का राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा था कि BJP सरकार के पिछले 6 साल के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही। बांग्लादेश भी भारत को पीछे छोड़ने वाला है। खैर, अब सवाल यही उठता है कि क्या मोदी हुकूमत नफरत का राष्ट्रवाद फैलाने में इस कदर कामयाब हुई है कि आवाम को अब महंगाई की मार का भी एहसास खत्म होने लगा? आखिर आवाज क्यों नहीं उठाया जाता? आखिर सत्ता से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? गरीब आवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। मिडिल क्लास फैमिली जैसे तैसे कसरत करके गुजारा कर रही है। महदूद गिरोह अमीरों का है जिन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत देश गरीबों का देश है और गरीबी रेखा के नीचे करोड़ों लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री गुलाम नबी आजाद की विदाई पर तो संसद में रोते हुए दिखाई दिए, पर इनके पास इतना वक्त नहीं कि गरीब जो महंगाई से मर रहा है इसके लिए भी 2-4 आंसू गिरा है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसे लोगों का दायरा वसी होता जा रहा है कि महंगाई आसमान छू ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी धर्म विशेष के खिलाफ नए नए कानून पास किए जा रहे हैं, इससे इत्मीनान जरूर होता है। वरना क्या बात है कि पेट्रोल 100 रुपए के करीब पहुंचता है और आवाम खामोश है। इसका मतलब यही होता है कि नफरत की सियासत से मुल्क का कुछ तो बड़ा तबका खुश हुआ है। भले ही गरीब को खाना मिले या ना मिले, पर राम मंदिर तो मिल ही रहा है, ट्रिपल तलाक पर कानून तो बन ही रहा है, कश्मीर से 370 हटाया गया, गोहत्या पर कानून बनाया जा रहा है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? अगर यही सोच बढ़ रही है और इसी वजह से तमाम मुल्क खामोश है तो आने वाला मुस्तकबिल भी इस मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि नफरत की सियासत सिर्फ मुल्क को ही नहीं ले डूबती बल्कि देश की जनता को भी ले डूबती है। लिहाजा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाओ, सत्ता से सवाल पूछो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी से देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, तभी तो संविधान बचेगा।
अब कुछ मकामी खबरों की तरफ एक नजर। बेलगाम शहर में ट्रैफिक मसले के मद्देनजर गोवा के लिए हलगाम मच्छे बाईपास सड़क को लेकर किसानों ने आज फिर एहतजाज किया। हलगा से लेकर मच्छे तक बाईपास सड़क इसलिए मंजूर की गई है कि शहर में ट्रैफिक मसला न खड़ा हो जाए, पर इस सड़क में कई किसानों की जमीन है जिसमें अनाज उगाया जाता है, लिहाजा तरक्की के नाम पर किसानों की जमीन हुकूमत हड़पना चाहती है, ऐसा इल्जाम किसानों की जानिब से लगाया जा रहा है। मामला अदालत में जेर समात है। किसानों का कहना है कि जब मामला अदालत में है तो इंतजामी आला अफसरान की मौजूदगी में क्यों जोर जबरदस्ती कर रही है, क्यों इस सड़क के काम को जबरदस्ती शुरू किया जा रहा है। किसानों का बढ़ता एहतजाज देख आखिर अफसरान को वापसी करनी पड़ी। किसानों ने आखिर तक यही कहा कि आप अगर आपको सड़क का काम करना है तो किसानों ने कहा कि हमारे जिस्म पर से बुलडोजर ले जाया जाए, लिहाजा तमाम महकमा को जेसीबी के साथ वापस लौटना पड़ा। किसानों ने मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत किसान मुखालिफ होने की बात कही। एक बार फिर कानून साज असेंबली में हंगामा बरपा हुआ। कानून साज असेंबली की चेयरमैनशिप आखिर जेडीएस के बसवराज होरट्टी को हासिल हुई। भाजपा जेडीएस याराना का दौर फिर शुरू हुआ क्या, ऐसा सवाल भी अब किया जा रहा। वही कांग्रेस तनाव होती दिखाई दे रही। बसवराज होरट्टी को चेयरमैन बनाए जाने पर कांग्रेस ने एतराज किया और चुनाव को मुलतवी करने की मांग कानून साज असेंबली में की। कानून साज असेंबली में कुल 75 मेंबर है जिसमें 31 भाजपा और जेडीएस 13, इस तरह अक्सरियत हासिल हुई। वही कांग्रेस के पास 28 मेंबर आकर फिर से जेडीएस भाजपा गठबंधन ने कांग्रेस को अलायदा कर दिया। भले जेडीएस कुछ भी कहे पर इख्तदार के लिए कहीं पर भी किसी भी सोच फिक्र से इत्तेहाद किया जा सकता है और अक्सर सियासी मैदानों में देखा भी जाता है। लिहाजा गोकशी कानून को भी मंजूरी हासिल हुई है जबकि पहले जेडीएस ने इसकी मुखालिफत की थी। बसवराज होरट्टी कानून साज असेंबली के चेयरमैन बन चुके हैं तो असेंबली में गोकशी कानून को मंजूरी देने पर कांग्रेस ने इसकी सख्त मुखालिफत की। आखिरकार असेंबली की कार्रवाई को मुलतवी किया गया। अगर पूरे मुल्क का जायजा लिया जाए तो इख्तदार तक पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते को इख्तियार किया जा सकता है। उसूल, सोच, फिक्र, आइडियोलॉजी वगैरह बातें कुछ मायने नहीं रखती और वैसे भी भाजपा सियासत के तकरीबन पैंतरे हासिल करने में माहिर हो चुकी है। इतना जरूर लग रहा है कि भारत में अब धर्म की सियासत मजबूत हो रही है जिससे संविधान कमजोर हो सकता है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।